गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं मंदिर के दुकानदारों की समस्या के निदान के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम के सभागार में किया गया। बैठक में एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ गोरखनाथ रतनी सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंदिर के सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ के दुकानदारों से वार्ता की गई तथा उन्हें कोई भी वस्तु या व्यक्ति के संदिग्ध दिखने पर पुलिस को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए दुकानदार भी अपना सहयोग दें और कोई भी व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में दिखता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, आपका स्टेट, आप लोग स्टेट होल्डर से, आप यहाँ के बाकी है, प्रतिभागी है, आपको हर चीज का, हर चीज में आपका हिस्सा है, सुख में, दुख में, खुशियों में, बिहार में, आपके बिना तो बाकी नहीं होती, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में गड़बड़ाहट हो जाता है, कोई हड़बड़ उसका अगर कोई बदनीति से आता है वो जिसका दिमाग ठीक काम नहीं करता है। इस तरह से आप लोगों को व्यक्त किया है, इस वजह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों से वाहन को भी चेक करके ही भेजा जा रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा अनुरोध है दुकानदार अपने वाहन को पार्किंग में खड़ा कर। देखिए यहाँ पे जो मंदिर गोरक्षनाथ जो पुण्य स्थल एवं आसपास के जो लगे हुए दुकान दार किराएदार उनका एक सुरक्षार्थ एक मीटिंग बुलाया गया है जो ओवरऑल सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली गई है, उनकी समस्या सुनी गई है और साथ साथ इर्द गिर्द सुरक्षार्थ क्या क्या एहतियात बरतना है, किस चीज़ों में निगाह रखनी चाहिए, उस संबंध में विस्तार से उनको ब्रीफिंग कराया गया है। जो नया प्रारंभ की जाए अलग से पार्किंग दुकानदार के लिए जो बनाए गए पार्किंग में अपने गाड़ियाँ रखें और जो संदिग्ध गतिविधियों कोई पाया जाता है तुरंत किस नंबर पे फ़ोन करना है, किसको मदद के लिए बुलाना है, इस संबंध में पूरी जानकारी उन लोगों को देना है, ये दिया गया है। इसी क्रम में दोनों तरफ से इंटरेक्शन भी हुआ है, अच्छा सेशन रहा है।